मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां मुकेश कुमार के सिर पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। ऐसे हमले में पीड़ित युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, जिसे इलाज के लिए भोगांव CHC पर भर्ती कराया गया है, लेकिन पीड़ित की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने तुरंत सैफई के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, मगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और शिकायत वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। वहीं पीड़ित ने मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। SSP कार्यालय आए हैं, क्या मामला है आपका? हमारा थाना भोगांव से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसी छोटी मोटी धाराएं लिख दी गई, कुड़ाली से मारा उनके सिर में। किन लोगों ने? सुखराम ने मारा है, ग्राम मखनीपुर का है। सुखराम ने मारा और है? दो अज्ञात लोग हैं। अच्छा, नाम नहीं मारा। किस चीज से वार किया है? कुड़ाली से। कुल्हाड़ी से जी। तो थाने आप गए थे क्या? गए थे, वहाँ से कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कुछ सुन ही नहीं रहा है, वो उनका डॉक्टरी वो नहीं हो रहा है। मेडिकल किया गया 330 5,500। ये इलाज के लिए उनको सैफई ले गए थे। अब जो भी वहाँ इलाज उनके डॉक्टरी परीक्षण में जो धाराएं बनेंगी वो धारा बढ़वा के कार्रवाई की जाएगी। तो सर आरोप ये लगा रहे हैं कि कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, मुकदमा उसी दिन लिखा गया है, जिस दिन आए उसी मुकदमा लिखा गया है, कार्रवाई हो रही है। डॉक्टरी परीक्षण की डॉक्टर की रिपोर्ट मिल जाएगी सैफई से, तो कार्रवाई पूरी होगी। इस पर जो धाराएं बनेंगी आरोपी पकड़े जाएंगे, बिल्कुल पकड़े जाएंगे।